लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस सीजन में शानदार खेल दिखाने के बाद भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। केकेआर की टीम के को ओनर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान टीम के आईपीएल फाइनल में ना पहुंचने से काफी निराश हैं। इस साल उन्होंने टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर गौतम गंभीर की जगह दिनेश कार्तिक को कप्तान बनाने का अहम फैसला लिया था। किंग खान इस साल आईपीएल जीतकर मुंबई के तीन बार खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी का सपना देख रहे थे। अफगानिस्तान के फिरकी गेंदबाज राशिद खान ने दूसरे क्वालिफायर जैसे अहम मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन कर टीम को जीत से महरूम कर दिया। शाहरुख खान को अपनी टीम के लगातार किए गए शानदार प्रदर्शन के बाद खिताब जीतने की पूरी उम्मीद थी। शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से अगर वे मैच नहीं देखने आते तो सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अपनी टीम को विश किया करते थे। दूसरे क्वालिफायर में काबुल के पठान राशिद खान ने 10 गेंद पर 34 रन बना स्कोर कोलकाता के जीत का लक्ष्य बड़ा कर दिया। गेंदबाजी में भी राशिद खान ने कोलकाता को तीन तगड़े झटके दिए। ओपनर क्रिस लिन, बाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज रॉबिन उत्थप्पा और कोलकाता के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसल का विकेट चटकाया। फील्डिंग में भी इस काबुल के पठान का कोई तोड़ नहीं था। टीम के मैच विनर्स में से एक नितेश राणा को राशिद ने रन आउट करवाया, जबकि बाउंड्री पर आखिरी ओवर में दो अहम कैच भी लपके।